चार दिन पहले अभी आप भगवा रूप दिख रहे थे, आपके चेहरे पर पूरा भगवा दिख रहा था, क्या हो गया, ये लाल टोपी कैसे पहने हैं? देखिए, जब कोई व्यक्ति पार्टी के लिए काम करता है, निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करता है, लगातार 5 साल तक जनता के बीच में रहता है, और पार्टी जब उसके कार्यों को अनदेखी करती है और किसी ऐसे व्यक्ति को जब टिकट दे देती है जो 5 साल तक क्षेत्र में रहने का ही काम नहीं करता है, तो निश्चित रूप से इस तरीके का कदम उठाना पड़ता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि बांसडी में जितनी हमने सेवा की है पूरे 5 साल में, पूरे कोरोना काल चाहे हो, चाहे ऐसे भी लगातार गरीब लड़कियों की शादी में, गरीब कमज़ोर लोगों के मरने में, ऐसे भी लगातार जो हमने सेवा किया है 5 साल में, 10 मार्च को आप लोगों को पता चलेगा कि बांसडी की जनता हमको पसंद करती है कि नहीं करती है, इसका परिणाम 10 मार्च को आप लोगों को दिखेगा। और निश्चित रूप से इसीलिए हमने आज ये टोपी पहनी है और भगवा उतार दिया। मतलब कि आपसे बीजेपी में थे, बीजेपी की कौन सी ऐसी नीति है जो आपको पसंद नहीं आई? बीजेपी पार्टी के ही लोग नहीं चाहते थे कि हमको टिकट मिले, और जिस तरीके से महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को घेर के मारा गया, उसी तरीके से बांसडी सीट को व्यक्तिगत एक व्यक्ति को देने के लिए और हमको पूरे चारों तरफ से चक्रव्यूह में घेर के मारा गया। मतलब पार्टी में कोई कमी नहीं है? पार्टी पार्टी के सार जितने भी नेता हैं लोग, जो चाहे हमारे जिले के नेता हों और चाहे संगठन के लोग हों, एकदम वो कार्य नहीं देखते, वो केवल ये देखते हैं कि कौन हमारी परिक्रमा करता है। धरातल पे काम करना हमारी पार्टी में जरूरी नहीं है, नेताओं की चारों तरफ परिक्रमा करना और उनकी चाटुकारिता करना, यही पार्टी के लिए बड़ा चीज रहेंगे। इस बार आप निषाद पार्टी से जुड़ गए हैं, अब मुद्दे क्या रहेंगे? वीआईपी पार्टी से जुड़ चुके हैं तो क्या मुद्दा? निश्चित रूप से बांसडी विधानसभा क्षेत्र से नहीं, पूरे जिले से मेरा प्रयास रहेगा कि निषाद पार्टी को ख़त्म करके और यहाँ पे वीआईपी को खड़ा करने का मैं काम करूँगा, और आप लोग देखेंगे कि वीआईपी एक नए जोश के साथ 10 मार्च के बाद बलिया जिले में स्थापित होगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आपके लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष सामने है, नेता प्रति आधार पर क्षेत्र में काम करने के आधार पर, लोगों की सेवा करने के आधार पर, और जहाँ तक मैं जानता हूँ जिस तरीके से बांसडी विधानसभा की उपेक्षा की गई है, पूरे 15-20 सालों के दौरान जो भी नेता वहाँ आया कोई काम नहीं किया है, और बांसडी विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल उपेक्षा का शिकार रहा है। और जहाँ तक मैं बता दूँ, अभी आप लोगों ने देखा, बहुत तत्काल की बात है, किसान किसान की बात लोग करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जितने भी किसान अपना धान बेचने के लिए गए जहाँ पे केंद्र पे, उनका किसी का नहीं लिया गया, और सारे बिचौलिए आकर धान बेच के गए, और सारे किसान परेशान हैं, सारे मजदूर परेशान हैं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, बेकाबू एकदम महंगाई हो गई है। आप लोग देखिएगा कि जिस तरीके से पार्टी का कार्य करने का शैली बदल गया है, पहले जिस हिसाब की भाजपा थी वो बिल्कुल रह नहीं गया है, और आने वाला विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से यह बताएगा। आप भाजपा के नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार सही नहीं है? बिल्कुल नहीं है, और हम लोग तो पार्टी में थे, हमारी तो मजबूरी थी, हम बोल नहीं सकते थे, लेकिन जिस तरीके की कार्यशैली है ठीक नहीं है, और ये महंगाई और बेरोजगारी पार्टी को ले डूबेगी, ये और नेताओं की आपसी जो ये है गुटबाजी निश्चित रूप से पार्टी को लेकर नेता प्रतिपक्ष। हाँ, अंतिम सवाल, जिस तरह से आप आज वीआईपी पार्टी ज्वाइन कर ली है, आपके लिए चुनौती ये है कि सीनियर नेता आपके विधानसभा में है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, कई बार उसी विधानसभा पर विधायक भी रह चुके हैं, कितना चुनौती मानते हैं? देखिए, जो क्षेत्र में काम करता है उसके लिए कोई चुनौती नहीं होती है। मैं तो 2-2 बार नगर पंचायत भी संभाला मैंने, और मैंने पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड भी कायम किया अपने अपने यहाँ से जीत के, और मैं बता दूँ
कि जो व्यक्ति जनता के बीच में सेवा करता है, जनता के सुख दुख में रहने का काम करता है, उसके लिए कोई भी कार्य चुनौती पूर्ण नहीं होता है, वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। और मैं आप लोगों से बता दूं कि मैं हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं, और निश्चित रूप से मैं बांसडीह विधानसभा जीत के आऊँगा और दिखाऊँगा कि सेवा का फल जो कार्य आदमी करता है, जो लोगों की सेवा करता है, वो गरीब जनता का आशीर्वाद, गरीब कमजोर लोगों का आशीर्वाद कितना मिलता है, ये आप लोगों को 10 मार्च को पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।